गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाई दिस इज मी, मैं हूँ डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु, वन सेकेंड। तो अभी जस्ट भीमा शंकर पहुँचने वाले हैं, मैं अभी पहुँच चुका हूँ, मगर यहाँ पे बाइक पार्किंग करना पड़ेगा और उसके सामने ठीक ऑपोजिट में गणेश मंदिर मिलेगा और साइड से एक आपको सीढ़ी मिलेगा जहाँ से आपको भीमा शंकर टेम्पल, मेन टेम्पल तक आप जा सकते हैं। तो मैं आपको इसका सराउंडिंग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। गणेश मंदिर से सीधा जा रहा हूँ भीमा शंकर दादा ज्योतिर्लिंग शिव धाम, और ये आपका डाकिनी पहाड़ जो है वो पामोही रोड पे है, गुवाहाटी कामरूप डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है आपका, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही पोल्यूशन फ्री है, मगर अभी धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पे फैक्ट्रीज बन रहे हैं और गोडाउन सब भी बन रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। हाँ, हालांकि ये अच्छी बात तो है डेवलपमेंट के लिए, मगर ये नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत हानिकारक ज़रूर होगा। तो कोई नहीं, मैं अभी इसी रोड से जाऊंगा, आगे तक जाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव। चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, मतलब दौड़ के जाते हैं कितना दूर हो सकता है। चलेंगे, मेन गेट पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ा सा। तो फाइनली मैं भीमा शंकर में पहुंच गया हूं, मेन टेंपल में पहुंच चुका हूं। यहां पे आपको जूता चप्पल खोलना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री करना पड़ेगा। और मैं जब आ रहा था तब ऐसा दिख रहा था कि इतना बढ़िया एक नेचुरल ब्यूटी है यहां पे, बहुत ही खूबसूरत जगह है, कूल एनवायरनमेंट है, आप यहां पे आके बहुत अच्छी तरह से आराम कर सकेंगे, आराम फरमा सकेंगे। तो चलिए अंदर में क्या क्या है देखते हैं। Thank you.
तो गाइस, भीमा शंकर का जो टेंपल है वो एक्चुअली टेंपल अभी तक बनाया नहीं है। यहाँ पे जो आपका एक झरना है, वही झरना के ऊपर शिवलिंग डाल के यहाँ पे पूजा किया जाता है। और यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो जाने का दिल नहीं करेगा आपको, इतना बढ़िया जगह है। बीच में से एक झरना बहती है जो अभी मेरे पीछे देख रहे हैं आप, बहुत ऊपर से आया होगा, कहाँ से आया वो तो आइडिया नहीं है, और यहाँ पे शायद ब्रह्मपुत्र में लीन हो जाती है। शंकर टेंपल में आने के लिए आपको कैसे आना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। कहीं से भी आइए, आपको गरचुक चाराली में पहुँचना पड़ेगा। गरचुक चाराली में पहुँच के आपको अगर जालुकबारी साइड से आते हैं तो राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, या फिर आप वशिष्ठा चाराली की तरफ से जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। तो पामोही रोड है जगह का नाम, उस पामोही रोड पर पहुँच के आपको अप्रोक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर्स के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहेगा, SMS में लिखा रहेगा, मतलब लोकल लैंग्वेज में लिखा रहेगा, भीमाशंकर टेंपल की ओर जाने के लिए। वहाँ से 0.5 किलोमीटर आने के बाद, 500 मीटर्स आने के बाद आपको वहाँ पे आप पार्किंग के लिए टिकट लेना पड़ेगा जो कि 10 रुपये है, और वहाँ से ही माला फूल आप जो भी चढ़ावा चढ़ाएंगे वहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके आपको दुकान नहीं मिलेगा। तो वहाँ से आने के बाद आपको मेन थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, ट्रैकिंग करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 500 या 700 मीटर्स होगा डिस्टेंस टेंपल तक, मेन टेंपल तक। तो वहाँ पे आके आपको जूता उतार के आपको टेंपल की तरफ आना पड़ेगा, और टेंपल में पूजा वूजा करने के बाद आप थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है उसका लुफ्त उठाइए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ठंडा के मौसम में आने से बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है काफ़ी हद तक अभी भी फोग गिर रहा है, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। और गर्मी का मौसम में आने से तो पसीना पसीना हो जाएंगे, बारिश भी होगा, रोड भी स्लिपरी होगा। तो आप सराउंडिंग जो है वो जायजा ज़रूर ले लीजिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बात करते करते थोड़ा सा मैं ऊपर तक आ गया, यहाँ पे लाल रंग का पत्थर दिख रहा है, शायद ये कलर किया हुआ है, पहले तो ऑरेंज कलर किया था, उसके बाद अभी पिंक कलर जैसा हो गया। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप गुवाहाटी में आते हैं तो भीमाशंकर टेंपल में जरूर आइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे और अच्छा वीडियो लेके आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयो होम, बाय बाय।